यार कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड यार कुछ ही देर पहले फोरम पे स्नीक पिक नंबर 4 फॉर दी अप्रैल अपडेट ड्रॉप कर दिया गया। एंड व्हाट इट सीम्स लाइक दिस इज द लास्ट स्नीक पिक जो कि हम देखने वाले बिफोर दी अपडेट ड्रॉप्स, बट लेट्स वेट एंड सी कि क्या होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर एडू यार चलते फोरम पे एंड लेट्स टेक अ लुक एट आर फोर्थ स्नीक पिक फॉर दी अप्रैल अपडेट एंड देखते हैं उस पर क्या बोला जा रहा है एंड इज इट एनी गुड। एंड बिफोर वी गोइंग टू दैट यार MFF मिशन पॉसिबल 6 ईयर एनिवर्सरी इवेंट इंट्रोडक्शन वीडियो डाला गया जो कि बहुत ही अच्छा यार फॉर द बिगिनर प्लेयर्स, ताकि उन्हें पता चलेगा हाउ दे शुड यूज देयर रिसोर्सेज या फिर द रिवॉर्ड्स दैट दे आर गेटिंग, बिकॉज उन्हें टिकट वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं होगा। सो डेफिनेटली दिस इज अ हेल्पफुल वीडियो। अलॉन्ग विद दैट इसमें हमें एक कूपन कोड दिया गया है। तो अगर ऐसा करने वाले MFF devs that they are going to give us rewards with such kind of videos, it is going to be absolutely amazing and I don't mind it. Yaar, free reward is always welcome. तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे यहाँ पे आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा एंड देन यू कैन क्लेम इट इन गेम, या फिर आप प्रोसीजर 2 को फॉलो कर सकते हो और मार्वल फ्यूचर फाइट के कूपन रजिस्ट्रेशन पेज पे जा सकते हो जो वेबसाइट उन्होंने बनाया है। बट वॉट आई विल डू इज मैं इन गेम जाके आपको क्लेम करके दिखा देता हूँ। कूपन कोड मुझे याद है तो लेट्स सी, वो देख लेते हैं कूपन कोड कहाँ पे। तो आपको MFF इवेंट पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे रेडी फॉर MFF 6 ईयर, यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी आइटम हैज बीन सेंट। और फिर जब अगर मैं अपने इनबॉक्स में जाऊंगा देन यू कैन सी राइट देयर 100 बायोमेट्रिक सिलेक्टर हमें मिल चुके हैं। सो दैट इज अमेजिंग यार, फ्री के रिवॉर्ड्स आर ऑलवेज वेलकम एंड अगर इस तरह के वीडियोज के साथ दे आर गोइंग टू गिव अस रिवॉर्ड्स लाइक दीज देन आई एम प्रीटी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं, कोई शिकवा गिला शिकवा नहीं है। सो या विद दैट लेट्स ओपन द अप्रैल अपडेट स्नीक पिक #4 पोस्ट एंड हमारा फोर्थ स्नीक पिक देख लेते हैं फॉर द अप्रैल अपडेट। यहाँ पे हमें CM फ्रेगमेंट बोलते हैं, दिस इज CM फ्रेगमेंट ऑफ मार्वल फ्यूचर फाइट। रिसेंटली द वर्ल्ड बॉस मेफिस्टो, हु हैज कैप्चर्ड द सोल्स ऑफ सुपर हीरोज एंड विलन्स, सडनली प्रपोज्ड अ नेगोशिएशन। इट लुक्स लाइक ही इज रेडी टू मेक अ डील। एजेंट्स स्टे अवेयर ऑफ हिज हिडन इंटेंशंस एंड फियरफुल पावर्स एंड चेक आउट व्हाट डील ही विशेस टू मेक, द न्यू प्रपोजल फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। एंड यहाँ पे स्नीक पिक नंबर 4 एंड सिनिस्टर लुक देख सकते हैं मेफिस्टो का। The April update details, which will include all the information of the current release sneak peeks, will be officially announced further on. So please stay tuned. And sneak peek number 4, यार तो मेफिस्टो आ रहा है गेम में. And as we know, he is going to be a native tier 3, just like Null. Because first of all, he is a world boss legend, and Nuzzle bosses are going to be native tier 3. So this is our third native tier 3 in the game. तो देखने वाली बात होगी यार कितना जबरदस्त होता है। बट उस टॉपिक पे जाने से पहले लेट्स प्ले दिस स्नीक पीक और देख लेते हैं इसमें क्या दिखाया जा रहा है हमें या कैसा दिख रहा है मेफिस्टो एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज ही इज अ प्लेबल कैरेक्टर, राइट? वर्ल्ड बॉस लेजेंड और प्लेबल कैरेक्टर में काफी डिफरेंस होता है स्किल्स में वगैरह में। तो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स प्ले इट। तो हियर वी गो। ओ भाई आग ही आ गया यार, इट्स सो कूल येट सो हॉट, समझ रहे हो? तो मेफिस्टो बहुत ही फ्लेम है, हर तरफ फ्लेम्स दिख रहे हैं। मेफिस्टो के दो फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, एक तो उसका सर्पेंट वाला फॉर्म है, एक तो जो नॉर्मल ये लुक है। तो आई वॉन्ट टू सी कि गेम में उसका स्किल्स किस तरीके से काम करेगा जैसे कि सर्पेंट वो बनेगा। एंड उसका एक एनरेज मोड है जहां पे वो गुस्सा होता है तो उसका साइज और बड़ा हो जाता है। सो जस्ट लाइक मोल्टेन मैन, राइट? मोल्टेन मैन के पास भी वैसा स्किल है फिफ्थ स्किल पे, नहीं आई थिंक इट्स हिज थर्ड स्किल, जहां पे वो खुद को एनरेज करके लार्ज हो जाता है। तो मेफिस्टो के पास भी कुछ ऐसा ही एक स्किल है, एक तो स्किल में वो सर्पेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आई बिलीव दैट इज गोइंग टू बी हिज टीयर 3 स्किल जिसमें वो सर्पेंट में फॉर्म होके अटैक करेगा। एंड आई बिलीव थर्ड स्किल में होगा कि वो एनरेज होके लार्ज हो जाएगा। सो आई बिलीव दैट इज 2 स्किल्स जो कि हम डिसाइफर कर सकते हैं मेफिस्टो का। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारे स्किल्स तो हम मेफिस्टो वर्ल्ड बॉस लेजेंड के थ्रू पता कर ही सकते हैं, बिकॉज नल में भी मोस्टली काइंड ऑफ सेम था बट कुछ कुछ चीजें अलग भी थी। तो बहुत ही जबरदस्त यार मेफिस्टो नेटिव टीयर 3 एक और आने वाला है गेम में, तो इट इज गोइंग टू गेट एक्सपेंसिव एज हेल। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ मेरे पास नल और सेंट्री दोनों ही हैं, लाइक पूरी तरीके से बिल्ड किए हुए गियर्स को छोड़कर। तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, सेंट्री इज द चीपेस्ट नेटिव टीयर 3 एंड नल और मेफिस्टो आर गोइंग टू कॉस्ट इक्वल, लाइक बराबर कॉस्ट करेंगे दोनों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, 6 स्टार करने के लिए हालत खराब हो जाता है, इट कॉस्ट यू ओवर 3000 CCF। और एक चीज अच्छा है, वर्ल्ड बॉस लेजेंड्स आप काफी CCF फार्म कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं
मेरे पास 4700 सीसी फार्म हो चुका है, तो आई डिडंट इवन इमेजिन कि कोई दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने अकाउंट में इतने सारे सीसीएफ देखूंगा। तो सीसीएफ फार्म करना बहुत ही इजी, आपको मटेरियल फ्यूजन करके अलग अलग रैंक पे सीसीएफ बनाने पड़ेंगे। तो क्या बोलते हैं इसे, रैंक 5 कॉस्मिक क्यूब फ्रेगमेंट, रैंक 6 कॉस्मिक क्यूब फ्रेगमेंट, तो इट विल कॉस्ट यू अ टन ऑफ गोल्ड। आई थिंक द प्रॉब्लम विथ मी इज गोइंग टू बी गोल्ड, बिकॉज बहुत ज्यादा गोल्ड कॉस्ट करने वाला है। एंड फिर आई बिलीव उसके मास्टरी के लिए वी नीड एसेंस ऑफ डायमेंशन, शायद तक मुझे ठीक से याद नहीं है, तो इट इज प्रीटी एक्सपेंसिव। तो आपको 3500 सीसीएफ लग जाएंगे, गियर्स आप करने जाओगे तो 4500 के ऊपर पहुंच जाएगा आंकड़ा। तो सीसीएफ तो बहुत ज्यादा, बट गोल्ड भी कम नहीं यार, एक 100 मिलियन से लेके 120 मिलियन तक गोल्ड लगते हैं, उसके बाद उसके गियर्स को 20 तक करने में भी काफी ज्यादा रिसोर्सेज लग जाते हैं। सो ऑल इन ऑल नेटिव टियर 3 कैरेक्टर को अपग्रेड करना इज नॉट एट ऑल चीप, दे आर एक्सपेंसिव एज हेल। फिर लेवल 70 ले जाने में तो यार मुझे बेहोशी सा लगने लग गया था, इट इज दैट एक्सपेंसिव। कोई कैरेक्टर क्लोज नहीं आता एज बीइंग एक्सपेंसिव एज अ नेटिव टियर 3 कैरेक्टर। बट द गुड थिंग इज दैट बायोमेट्रिक्स, जो कि आई बिलीव शुड हैव बीन द बॉटलनेक, उसे बैम से और एनसीएस से एक्सचेंज करने के लिए इक्विवेलेंट रख दिया गया है, एंड इट इज प्रीटी डिसेंट मेरे हिसाब से। 8,000 से 9,000 बैम में आपके कैरेक्टर को आप ले जा सकते हो लेवल 70 तक 60 से, तो दैट इज प्रीटी डिसेंट एक्सचेंज इन माई ओपिनियन। एंड अगर हम पावर लेवल की बात करें तो डेफिनेटली गेम के टॉप 2 कैरेक्टर्स में नल और सेंट्री तो डेफिनेटली आते हैं इन देयर रेस्पेक्टिव गेम मोड्स। सेंट्री मोस्टली पीवीपी के लिए आता है, नल मोस्टली पीवीई के लिए आता है, बट लेट्स सी मेफिस्टो कौन से गेम मोड में होता है। आई बिलीव ही इज गोइंग टू बी अ पीवीई कैरेक्टर, जस्ट फॉर द रीजन बीइंग कि वो फ्लेम टाइप कैरेक्टर होगा, लाइक फायर टाइप डैमेज होगा उसका। तो हमने देखा है कि पीवीपी में एलिमेंट टाइप डैमेज उतने अच्छे से नहीं टिक पाते हैं, एंड प्लस ही इज अ वर्ल्ड बॉस लेजेंड, सो पीवीई में मेफिस्टो वर्सेस मेफिस्टो देखने में काफी मजा आएगा, एंड व्हेन प्लेइंग एज मेफिस्टो नल के अगेंस्ट जाने में भी काफी मजा आएगा। सो वी विल सी हाउ दैट वर्क्स आउट। एंड एक चीज तो मैं आपको गारंटी बता देता हूं, अगर आपको मेफिस्टो को अनलॉक करना है तो जस्ट लाइक नल आपको 2 दिन खेलना पड़ेगा, यू नीड 10 बायोज ऑफ मेफिस्टो, तो 5-5 एवरी डे यू हैव टू प्ले इन ऑर्डर टू फार्म हिज बायोज, तो वो एक चीज आपको रेडी रखना पड़ेगा। आपके मेफिस्टो अनलॉक होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डेफिनेटली डू दैट इफ यू हैवंट। तो मेफिस्टो के लिए आई बिलीव मेफिस्टो को अनलॉक करने के लिए यू हैव टू प्ले ऑल द वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट्स, राइट, 5-5 बार ईच, तो दैट इज प्रीटी डिसेंट। नल नहीं है रिक्वायरमेंट में, तो मेफिस्टो आई बिलीव सबका अनलॉक हो जाना चाहिए, बट यू नीड स्कारलेट विच एंड ऑल दोस कैरेक्टर्स, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपडेट में तो सिर्फ 4 स्निक पिक आए, आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू सी अ 5th स्निक पिक। तो डॉक्टर डूम का क्या हुआ, आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन दैट मेनी पीपल आर आस्किंग। काफी लोग उदास है कि डॉक्टर डूम को टीयर 3 नहीं मिल रहा है, बट अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं कि दे नेवर प्रॉमिस्ड कि डॉक्टर डूम का टीयर 3 आएगा, हमने खुद स्पेक्यूलेट किया कि डॉक्टर डूम का टीयर 3 आएगा, वी गॉट आर ओन होप्स अप एंड फिर अब हम डिसअपॉइंट हो रहे हैं, राइट। बट मेफिस्टो भी यार खराब नहीं है, देर विल बी अ डे जब डॉक्टर डूम को टीयर 3 दिया जाएगा, एंड आई बिलीव इट्स गोइंग टू कम रिलेटिवली सून, बट इस चीज पर गुस्सा होकर कोई फायदा नहीं है इन माई ओपिनियन। वी शुड अप्रिशिएट वॉट इज कमिंग। अलॉन्ग विद दैट आई एम सो हैप्पी कि प्रोफेसर एक्स एंड आयरन मैन आर गेटिंग अ रिवर्क, एंड मिस्टर फैंटास्टिक को भी प्रोबेबली एक डिसेंट यूनिफॉर्म मिलेगा, तो ये तीनों कैरेक्टर वापस से मेटा में आ सकेंगे, आई एम प्रीटी हैप्पी फॉर दैट। अलॉन्ग विद दैट नए कैरेक्टर की बात करें तो मेफिस्टो के अलावा और कोई नया कैरेक्टर है नहीं, एक्सजिंस ऑफ बायो सब या फिर बायो सिलेक्टर, सो देर इज दैट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दैट मिड मंथ पैच भी बाकी है, सो लेट सी अगर मिस्टर फैंटास्टिक के बाकी फैंटास्टिक फोर एलाइज को अवेकनिंग मिलता है कि नहीं, क्योंकि कोई अवेकनिंग कैरेक्टर का अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मिड मंथ पैच में मे बी हमें डॉक्टर डूम का टीयर 3 देखने को मिल जाए, हु नोज, राइट। बट टेक्निकली मेरे हिसाब से डॉक्टर डूम का टीयर 3 अभी होना चाहिए था अगर आना था तो, और मेफिस्टो का टीयर 3 एंड मेफिस्टो मिड मंथ पैच में होना चाहिए था जैसा कि उन्होंने नल के साथ किया था। इट शुड हैव बीन अ सेम ट्रीटमेंट, बट आई बिलीव दे वॉन्टेड टू गैदर ऑडियंस एंड हाइप बिकॉज मेफिस्टो इज अ प्लेएबल कैरेक्टर इन मार्वल फ्यूचर फाइट, तो मेनी पीपल विल कम बैक टू द गेम, आई थिंक दैट्स द स्ट्रेटजी हियर। बट सेम वुड हैव बीन द केस विद डॉक्टर डूम टीयर 3, राइट, तो दोनों ही तरफ से उन्हें फायदा होता, बट हु नोज वॉट गोज इन द माइंड ऑफ द डेव्स। बट येस आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस अपडेट यार, रिलेटिवली एक्सपेंसिव तो है यार अपडेट, 3 यूनिफॉर्म है, सो दैट इज 3150 क्रिस्टल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर प्रोफेसर एक्स का डेंजर रूम पैक वापस से आएगा, सो दैट इज 3250 क्रिस्टल्स, मैंने 1250 क्रिस्टल्स रिफंड के माइनस कर दिए, सो दैट इज अराउंड 7000 क्रिस्टल्स टेरिटरी आ जाते हैं हम कैसे भी। अलॉन्ग विद दैट सीसीएफ के काउंट में अगर हम बात करें तो अगर आपके पास ये तीनों कैरेक्टर टीयर 3 पे नहीं है, सो इट इज एक्सपेंसिव एज हेल।
एंड आई बिलीव आयरन मैन अब काफी लोगों का टीयर 3 सिलेक्टर हो सकता है अगर आयरन मैन का यूनिफॉर्म काफी स्ट्रांग हो. अगर वो यूनिफॉर्म स्ट्रांग होगा तो मैं एक और टीयर 3 सिलेक्टर लिस्ट बना लूंगा. सो विल गाइड यू गाइज थ्रू डैट. बट या लेट्स सी आगे क्या होता है. अभी एनिवर्सरी का लाइव स्ट्रीम बाकी है. अपार्ट फ्रॉम दैट पैच नोट्स बाकी है एंड देन मिड मंथ पैच भी बाकी है. सो विल सी वॉट विल हैपन एंड ऑब्वियसली आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड. सो विद दैट व्हाट आर योर थॉट्स एंड ओपिनियन गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो यार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. मैं हंटर ऑन हाई, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में. तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, शाओ वोइला, बाय. Goku! Son Goku!